कोरोना वायरस को मात देने के लिए अररिया में सैनिटाइजिंग के लिए ड्रोन की सेवा ली जा रही है। अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने सैनिटाइजेशन के लिए चेन्नई से 2 ड्रोन मंगवाया है। अब इस ड्रोन के जरिए ही अररिया के शहरी और ग्रामीण इलाकों में सैनिटाइजेशन करवाया जाएगा। वहीं सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि इस बार कोरोना वायरस को मात देने के लिए जमीन और आसमान से सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। सिंह ने बताया कि पंजाब की एक कंपनी से एक सैनिटाइजर मशीन मंगवाया जा रहा है जो ट्रैक्टर से चलेगा। सांसद प्रदीप सिंह ने बताया कि ट्रैक्टर से चलने वाले सैनिटाइजर से जमीन, घर और कार्यालय को सैनिटाइज किया जाएगा। सिंह ने बताया कि गली और टोल मोहल्ले में सैनिटाइज कर कोरोना को मात दिया जाएगा। नीचे से भी पंजाब से एक मशीन आ रही है, जिले के हर कोने में, हर पंचायत में जाके वह लगातार करता रहेगा। ट्रैक्टर से जो चलेगी तो ट्रैक्टर लगा के वह मशीन से पूरे जिले में सैनिटाइज जमीन और आसमान दोनों तरफ से हम लोगों ने तैयारी किया है। और सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे सभी संगठन इसको हर गांव में जाके, हर टोला मोहल्ला में, कस्बा में जाके। वहीं चेन्नई की कंपनी से सांसद प्रदीप सिंह 2 ड्रोन मंगवा रहे हैं। इस ड्रोन से मौसम के साफ होते ही अररिया में सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया जाएगा। अररिया में किए गए ड्रोन का ट्रायल सफल होने से लोगों में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। महामारी से बचाव के लिए यह कोरोना महामारी पूरे देश और दुनिया में, और यह साउथ में चेन्नई में यह कंपनी है। हम एक दिन मैसेज देखे थे मोबाइल में, सोशल मीडिया में, तो मुझे लगा कि अगर WHO कह रहे हैं कि हवा में भी वायरस फैल सकता है, तो मुझे लगा कि ड्रोन से एक बार सैनिटाइज होना चाहिए, कम से कम भीड़ भाड़ वाले इलाके में, हॉस्पिटल, कोविड सेंटर। इसलिए हमने संपर्क करके ड्रोन मंगवाया है और 2-2 ड्रोन आया है। तो ड्रोन से अब प्रहार हम लोग करेंगे कोरोना पर, ताकि अगर महामारी ऊपर में है, हवा में है, वायुमंडल में, तो वह भी उससे समाप्त हो। इसी कड़ी में आज हम लोग इसका उद्घाटन कर रहे थे, देख रहे थे कि कैसे चलता है, लेकिन मौसम खराब होने के कारण वह अभी यहाँ रहेगा। जैसे ही मौसम ठीक होगा तो ड्रोन से ऊपर से हम लोग जो है पूरे जिले में, हाँ, जिले के मुख्य मुख्य जगह जो भीड़ भाड़ वाली इलाका है, उस इलाके में ड्रोन से हम लोग ऊपर से भी सैनिटाइज करेंगे। सैनिटाइजेशन के लिए केमिकल, सोडियम हाइपोक्लोराइड की कमी नहीं हो, इसके लिए भी बकायदा सांसद की ओर से पहल की गई है। केमिकल निर्माता कंपनी को सप्लाई का ऑर्डर दे दिया है। सांसद ने भरोसा दिलाया कि कोरोना के दूसरी लहर से निपटने के लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी तक केवल बड़े शहरों में ही ड्रोन से सैनिटाइजेशन किया जाता था, लेकिन ये सुविधा अररिया जैसी जगह में मुहैया करा दी गई है। सांसद प्रदीप सिंह की इस पहल से दूसरे सांसदों को भी सीख लेनी चाहिए और अपने अपने इलाके में कोरोना को मात देने की पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए अररिया से राकेश कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।